7. रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जानी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक संभाग के एमएसएमई विकास व सुविधा केंद्रों को आईटी इनेबल्ड कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एवं एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर्स 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रथम चरण के रूप में इस वर्ष 15 क्लस्टर्स के लिए 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। एंटरप्रेन्योर्स को अपने उत्पाद देश विदेश में मार्केट करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 30 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित खादी संस्थाओं समितियों के साथ ही बुनकर संघ से जुड़े बुनकरों को भी ऋण एवं सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कलाकारों को 1000 इलेक्ट्रिक व्हील, इलेक्ट्रिक चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। पर्यटन कला एवं संस्कृति। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य, समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी कुल 5.6% है एवं राज्य में लगभग 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से किसी न किसी रूप में आय अथवा रोजगार की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति लाई जानी प्रस्तावित है। साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF बनाया जाकर हमारे इस कार्यकाल में 5000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस फंड के माध्यम से हेरिटेज टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म एवं एडवेंचर टूरिज्म के विकास, प्रदेश की ब्रांडिंग तथा पर्यटकों सुविधा संबंधी कार्य हाथ में लिए जाएंगे। RTICF के अंतर्गत 2 वर्षों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही प्रदेश के शौर्य व साहस के प्रतीक रहे किलों, स्मारकों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जयपुर के परकोटे क्षेत्र एवं स्मारकों के लिए जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर 100 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। इस क्षेत्र की विरासत को बनाए रखने के लिए आवश्यक बायलॉज भी अधिसूचित किए जाएंगे। आमेर के मावटा एवं सागर के साथ ही प्रदेश की विभिन्न बावड़ियों, स्टेपवेल्स के पुनरुद्धार हेतु 20 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। चित्तौड़गढ़, आमेर, जयपुर आदि पर्यटन स्थलों पर संचालित लाइट एंड साउंड शोज का उन्नयन किया जाएगा। वैर भरतपुर के सफेद महल, प्रताप फुलवारी एवं प्रताप नगर सहित किलों की मरम्मत एवं सौंदर्यकरण व भरतपुर किले के आसपास क्षेत्र में सौंदर्यकरण एवं उन्नयन कार्य करवाए जाएंगे। लेसर नोन टूरिज्म साइट्स रामगढ़ क्रेटर साइट 12, सांभर झील क्षेत्र जयपुर एवं झामर कोठड़ा व झावर उदयपुर को विकसित करने पर लगभग 30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। साथ ही
खामा फोर्ट परिसर जैसलमेर में फॉसिल पार्क एवं ओपन रॉक्स म्यूजियम बनाए जाने प्रस्तावित हैं। वेडिंग डेस्टिनेशंस के रूप में तेजी से उभर रहे प्रदेश के शहरों यथा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं सवाई माधोपुर आदि के लिए ब्रांडिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जाएंगे। प्रदेश में माइस मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, टूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान रणथंभौर, सरिस्का एवं घना जैसे प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिजर्व्स के लिए तो सदैव से विश्व प्रसिद्ध है ही, किंतु अब लेपर्ड रिजर्व झालाना, जयपुर जवाई पाली आदि को भी इको टूरिज्म सर्किट का भाग बनाने से पर्यटकों को विभिन्न फ्लोरा फौना से परिचित होने का अवसर मिलने के साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों का विकास भी संभव होगा। इसी क्रम में सांभर झील, खींचन कॉन्जर्वेशन रिजर्व, शेरगढ़ अभ्यारण, मनसा माता कॉन्जर्वेशन रिजर्व एवं बस्सी अभ्यारण को इको टूरिज्म साइट्स के रूप में विकसित किया जाएगा। जोगी महल सवाई माधोपुर, आमेर जयगढ़, नाहरगढ़ किला जयपुर, बिजासन माता इंदरगढ़ बूंदी, समय माता बांसवाड़ा तथा छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ में रोपवे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए DPR बनाई जाकर कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित है। प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं और वनजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में सरिस्का स्थित पांडुपोल और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी के लिए EV बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में विभिन्न त्योहारों जैसे दिवाली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि को आमजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ साथ श्रद्धा से मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष साज सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाना प्रस्तावित है।